हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज रसीली रसोई में आपका नई रेसिपी के साथ स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, जो कि हम बिना कस्टर्ड पाउडर के बनाएंगे। इसके लिए हमें कस्टर्ड पाउडर की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग एक पैन में 1 लीटर दूध लेंगे, उसे हम लोग कस्टर्ड बनाने में यूज करते हैं। ये देखिए, मैंने एक पैन में दूध लिया है, उसे इंडक्शन पे रख दिया है और उसे उसको उबलने के लिए रख दिया है मैंने। अब एक गिलास में मैंने ठंडा दूध लिया है, ये हमारे को हमने वनीला एसेंस लिया है जो हमें फ्लेवर देगा, और ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है जिसे आज हम लोग कस्टर्ड बनाने वाले हैं। कस्टर्ड दूध के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर की 6 चम्मच ऐड की हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मुझसे गिर गया है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने 6 स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर की ऐड की है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप लोग अरारोट पाउडर से भी कस्टर्ड बना सकते हैं। आप इसमें मैंने एसेंस डाला है, वनीला एसेंस, जो कि मेरे कस्टर्ड को एक फ्लेवर देगा। अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी लम्स ना बने और इसे चलाइए, क्योंकि कभी कभी कॉर्नफ्लोर नीचे पैंदे में बैठ जाता है। उसे मिलाते हुए चलाइए। ये देखिए, हमारा कॉर्नफ्लोर पूरा ठंडे दूध में मिक्स हो गया है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें दूध हमेशा ठंडा ही लेना है। अब देखिए, हम लोग अपने दूध की तरफ जाते हैं। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, उसमें बबल्स बन रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से बॉईल हो चुका है हमारा दूध। अब इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर वाले घोल के अंदर हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, वो जस्ट ऑप्शनल है। ये हमारे कस्टर्ड को एक कलर देगा डिसेंट सा। चलिए, अब मिल्क के अंदर हमने वो कस्टर्ड वाला मिश्रण ऐड कर दिया, और देखिए हम अपने मिल्क को चलाते रहेंगे। और ध्यान रखिए, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये पैंदे में बैठ जाएगा और हमारा कॉर्नफ्लोर पैंदे के चिपक जाएगा, इसलिए हमें इसे लगातार चलाना है। देखिए, अब धीरे धीरे ये पकने लगेगा तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसमें शुगर ऐड की है, जो थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं, उसको मिक्स होने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। देखिए, हमारा कस्टर्ड पकने लगा है। कस्टर्ड को पकने की एक पहचान होती है, हमारा कस्टर्ड अगर हमारे स्पून पे या स्पैटुला पे चिपकने लगे तो समझिए हमारा कस्टर्ड अच्छे से बन गया है। अगर आपको कस्टर्ड गाढ़ा पसंद है तो आप कॉर्नफ्लोर की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मुझे कस्टर्ड हमेशा थोड़ा थोड़ा थिन ही पसंद है, इसलिए मैं कम कॉर्नफ्लोर यूज करती हूँ। ये देखिए, अच्छे से ये बनने लगा है। देखिए, हमारे स्पून पे चिपक रहा है। जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे अभी साइड रखते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके फ्रूट्स काट लेते हैं। हमने बनाना लिया है, मैंगो लिया है, अनार लिया है, आप चाहे तो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने इनको चॉप करके और कस्टर्ड में ऐड कर लिया है। अब इसे हम लोग ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए, हमने खाने के लिए इसे सर्व कर लिया है। आप इसे बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।